हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं एमसीक्यूज क्लास 6 चैप्टर नंबर 10 मेंसुरेशन के। इससे पहले हम दो पार्ट्स ऑलरेडी क्वेश्चंस कर चुके हैं, ये उसी वीडियो का उसी सीरीज का थर्ड पार्ट है। सो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 से। क्वेश्चन कह रहा है पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर इज, तो आपको बताना है कि एक पेंटागन है, पेंटागन होता है जिसकी 5 साइड्स होती हैं ऐसी शेप, ठीक है। अब पेंटागन है जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर है, तो एक साइड जो है इसकी 4 सेंटीमीटर है, तो रेगुलर पेंटागन है। इस रेगुलर वर्ड का मतलब क्या है कि एक साइड अगर 4 है तो सारी ही 4 होंगी, सेम और इक्वल साइड को रेगुलर वर्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो पेंटागन की सारी साइड्स 4 हैं। अब वो पूछ रहा है पेरीमीटर क्या होगा। पेरीमीटर का मतलब होता है इसकी चारों तरफ की बाउंड्रीज की लेंथ, ठीक है। कोई भी शेप है उसकी चारों तरफ कितनी लेंथ है बाउंड्रीज की, वो तो देखो 5 साइड्स हैं और 4 हर एक साइड का मेजरमेंट है, तो या तो 4 × 5 कर दो विच इज़ 20 सेंटीमीटर, तो ये आपका ए पार्ट आंसर आ जाएगा, या 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 कर दो 5 बार, वो भी कर सकते हो, आंसर तब भी 20 सेंटीमीटर ही आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स साइड इज, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक स्क्वायर है जिसका एरिया जो है, एरिया मीन्स जितना स्पेस इसने लिया हुआ है, वो जो है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है एरिया दिया हुआ है, ठीक है। साइड बतानी है आपको। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है वो ए स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर, यहाँ पे ए क्या है, साइड स्क्वायर, ठीक है, यानी साइड इंटू साइड होता है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज़ करूँ और मैं बोलूँ एरिया इक्वल्स टू साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड होता है, एरिया कितना है 100, साइड का स्क्वायर, अब 100 किसका स्क्वायर है, 100 10 का स्क्वायर होता है, तो मैं 100 की जगह पे 10 स्क्वायर लिख देती हूँ, साइड स्क्वायर। तो स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर तो सेम है, साइड की वैल्यू क्या हुई यहाँ पे, साइड की वैल्यू हुई 10 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो एक साइड यहाँ पे आ गई 10 सेंटीमीटर्स, राइट। अगर आपको सॉल्व करके बोला जाए करने को, तो ये तरीका है सॉल्व करके करने का। अगर आपको बोला जाए डायरेक्टली बताओ, तो बस आपको ये देखना है कि 100 जो है किसका स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर होता है 10 × 10, तो एक साइड आपकी 10 हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट आर 900 मीटर्स एंड 700 मीटर्स रिस्पेक्टिवली। तो भाई क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते जो वहाँ पे दिया हुआ है वो आपको अपने नोट्स बनाने हैं उसके। तो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी लेंथ 900 है और ब्रेथ 700 मीटर्स है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इफ 3 राउंड्स ऑफ फेंस इज फिक्स्ड अराउंड द फील्ड एट द कॉस्ट ऑफ 8 पर मीटर, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट स्पेंट। देखो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। बोल रहा है इफ़ 3 राउंड्स ऑफ फेंस इज फिक्स्ड अराउंड द फील्ड, फेंस मतलब इसके चारों तरफ बाउंड्री लगाई गई है, ठीक है, और कितना लगाया गया, 3 राउंड, एक बार ऐसे पूरा फेंसिंग किया, फिर दोबारा किया, फिर थर्ड टाइम फिर किया, तो 3 राउंड ऐसे फेंसिंग हुई है इस फील्ड के चारों तरफ, और किस कॉस्ट पे हुई है, इसकी कॉस्ट जो है ऑफ फेंसिंग इज़ 8 पर मीटर, यानी 1 मीटर की कॉस्ट आई है 8 रुपये। टोटल अमाउंट कितना खर्चा हुआ है आपको वो बताना है, अमाउंट बताना है आपको, टोटल कितना पैसा लगा है चारों तरफ बाउंड्री लगाने का। अब देखो जब भी बाउंड्री की बात हो तो आपको पता होना चाहिए पेरीमीटर की बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका, इस प्लॉट का, रेक्टेंगुलर प्लॉट का पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 लेंथ + ब्रेथ, ठीक है, फॉर्मूला थोड़ा याद होना चाहिए। फॉर्मूलेज नहीं पता तो मेरी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो सारी अवेलेबल हैं, प्लीज़ जाकर अपने कॉन्सेप्ट ठीक करो, फॉर्मूले कैसे बने हैं, क्यों बने हैं, क्या होते हैं, वो सब आप देखो, उसके बाद क्वेश्चंस वाली वीडियो देखना, मैं हर बार यही बोलती हूँ, ठीक है। तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, 2 लेंथ कितना है आपका 900, ब्रेथ कितना है 700, राइट। तो पेरीमीटर आएगा 2 × 1600, विच इज़ 1600 × 2 कितना हो जाएगा आपका 3200, राइट। तो ये आपका पेरीमीटर है इन मीटर्स, ठीक है। अब पेरीमीटर का मतलब है
कि अगर मैं एक पॉइंट से इस प्लॉट के चारों तरफ का राउंड लगाती हूँ या फेंस लगाती हूँ, तो मुझे 3200 मीटर्स इसकी लेंथ है, इतना कवर करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि 3 बार हुआ है ऐसा कि फेंसिंग 3 राउंड्स लगाई है, तो इसको कर दो मल्टीप्लाई बाय 3, तो आपको टोटल कितना फेंस चाहिए वो आ जाएगा आपके पास। यानी कि एक राउंड में तो 3200 मीटर चाहिए, लेकिन 3 राउंड लगाने हैं तो मल्टीप्लाई 3 कर दो, तो 3 0 3 0, 3 2 6, 3 3 9, तो आपको 9600 मीटर का फेंस चाहिए, इतना लंबा, उसको 3 बार कवर करने के लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे वो बोल रहा है कि 8 रुपये मीटर खर्चा आया है, तो टोटल कितना मीटर लगाना है, 9600, 1 मीटर में 8 रुपये खर्चा आ रहा है, तो कुछ नहीं करना, 9600 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ये मीटर है और ये रेट है। ठीक है, इतने टोटल मीटर हमें फेंस लगाना है और 8 रुपये 1 मीटर का खर्चा है, तो टोटल कितना खर्चा आएगा आपको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। तो 8 0 0 8 0 8 6 is 4 9 8 72 72 76, तो 7 6 8 00 इज योर आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर सी, ₹7 6 8 00। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं और ज़्यादा मार्क्स में आते हैं, तो आप ये अगर एक बार में ना समझ आए तो दोबारा देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26, विच इज 80 स्टूडेंट्स ऑफ द सेम हाइट स्टैंड विद बोथ हैंड स्ट्रेच्ड ऑल अलोंग द साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, ईच स्टूडेंट कवरिंग अ लेंथ ऑफ इतना इतना 1.75 मीटर, वॉट इज द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। 80 स्टूडेंट्स ऑफ द सेम हाइट, देखो 80 बच्चे खड़े हैं हाथ को स्ट्रेच करके, और सेम हाइट के बच्चे हैं वो, तो 80 स्टूडेंट्स मान लो ऐसे खड़े हैं, ठीक है, स्टैंडिंग पोजीशन में, और सेम हाइट है उनकी, सबकी हाइट सेम है, और ऑल अलोंग द साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, एक मान लो ये गार्डन है, इसके चारों तरफ खड़े हैं। ठीक है, ईच स्टूडेंट कवरिंग अ लेंथ ऑफ 1.75 मीटर, हर एक जो है बच्चा वो 1.75 मीटर की लेंथ कवर कर रहा है। ठीक है, 1.75 मीटर लंबा अपने हाथ को स्ट्रेच करके वो खड़े हुए हैं, और एक बच्चा 1.75 मीटर कवर कर रहा है। अब वो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन, आपको उस गार्डन का पेरीमीटर निकालना है। अगेन ऐसे ऐसे बच्चे यहाँ पे खड़े हैं पूरे हाथ को स्ट्रेच करके, तो कितना 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 मीटर पूरा गोल घूम के वापस यहाँ पे आना है इनको। बेसिकली पेरीमीटर मतलब चारों तरफ की बाउंड्री का लेंथ की बात हो रही है, कितना कवर करेंगे वो देखते हैं। एक बच्चा अगर 1.75 मीटर कवर कर रहा है तो 80 बच्चे हैं, मल्टीप्लाई बाय 80 कर दो। ठीक है, एक सेकेंड थोड़ा स्पेस बनाते हैं। वन पॉइंट सेवन फाइव मल्टीप्लाइड बाई 80 आपको करना है। ठीक है, तो बेसिकली 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 5 इज़ 44, 8 7 इज़ 56, 8 1 इज़ 8, 1 4 0 0 0। अब ये मेरा आंसर आया मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ मैंने मैंने देखा पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो 2 डिजिट से पहले मैं पॉइंट लगा देती हूँ। 140 इज़ माई आंसर, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी। अब पॉइंट की कैलकुलेशन अगर आपको नहीं आती है तो प्लीज़ मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने विदाउट एक्चुअली मल्टीप्लाइंग या डिवीजन के पॉइंट को कैसे कैलकुलेट करना है, ये वीडियो बनाई हुई है, आप प्लीज़ उसको जाकर देखना, कैलकुलेशंस अच्छी होंगी तो मैथ्स अच्छी होगी। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 7.5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 3 सेंटीमीटर इज, एक रेक्टेंगल है जिसकी जिसका पेरीमीटर जो है आपको बताना है, लेंथ है 7.5 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 लेंथ हो गई आपकी 3, सॉरी नॉट लेंथ, आपकी लेंथ हो गई 7.5, ब्रेथ हो गई आपकी 3, तो पेरीमीटर क्या होगा, अंदर वाला पार्ट प्लस कर दो 10.5,
टू इंटू 10.5 करोगे यू विल गेट 21 सेंटीमीटर एज योर आंसर. ठीक है, सो आंसर इज बी पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन है स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल हुज, स्क्वायर एक ऐसा रेक्टेंगल है. देखो स्क्वायर बनाते हैं, स्क्वायर मतलब सारी साइड इक्वल और सारे एंगल 90 डिग्री. ठीक है, तो स्क्वायर एक ऐसा रेक्टेंगल भी होता है जिसकी सारी साइड इक्वल होती हैं. बिल्कुल नहीं, क्योंकि रेक्टेंगल तो नहीं हो सकता सारी साइड इक्वल वाला. टू साइड्स आर इक्वल. अच्छा एक सेकेंड, नहीं, स्क्वायर ऑफ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल. बेसिकली ये एक रेक्टेंगल है. क्यों रेक्टेंगल है पहले वो समझते हैं, फिर आगे देखेंगे. देखो रेक्टेंगल की दो मेन प्रॉपर्टीज होती हैं, एक तो ऑल एंगल्स 90 डिग्री और दूसरी प्रॉपर्टी होती है ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं. ठीक है, तो इस स्क्वायर में आपको ऑपोजिट साइड तो इक्वल मिलेंगी ही मिलेंगी. जैसे ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी. ठीक है, ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होंगी, सारे एंगल 90 भी होंगे. तो एक स्क्वायर रेक्टेंगल तो होता ही है क्योंकि उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ वो फुलफिल कर रहा है. लेकिन अलग क्या बात है, ये बात है कि सारी साइड इक्वल भी होती हैं इस रेक्टेंगल में. इस अगर मैं स्क्वायर बनाती हूँ तो ये स्क्वायर एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसकी सारी साइड इक्वल भी होती हैं, ये इसमें अलग बात है. ठीक है, तो ए पार्ट आपका आंसर है. बाकी तो सारी ही साइड्स में, सारी ही ऑप्शंस में ये प्रॉपर्टीज़ आपकी रेक्टेंगल में मिलेंगी ही मिलेंगी. सो ए पार्ट इज़ योर करेक्ट आंसर. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 12 मीटर, इट्स पेरीमीटर इज. स्क्वायर का जो साइड है वो 12 मीटर है, तो उसका पेरीमीटर बताओ. तो स्क्वायर बनाते हैं. साइड ऑफ अ स्क्वायर यानी कि ये एक साइड 12 मीटर है, तो स्क्वायर है तो सारी साइड कितनी होंगी, 12 12 12 और 12. ठीक है, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा. पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर होता है 4 into साइड, या सारी साइड का सम कर लो तो 4 into 12 विच इज़ 48 मीटर्स, राइट, विच इज़ सी पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एरिया ऑफ द स्क्वायर इन सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको एरिया बताना है स्क्वायर का सेंटीमीटर्स में इफ़ इट्स साइड इज 1 मीटर. तो देखो स्क्वायर है, इसकी जो साइड है वो 1 मीटर है, राइट. पहले तो इसका एरिया देख लेते हैं कितना होगा. तो 1 मीटर into 1 मीटर, दैट मीन्स 1 मीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा. ठीक है, अब 1 मीटर को आप, 1 मीटर स्क्वायर को आप सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लो, सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो. तो सेंटीमीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1 into 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं. तो एक बार 100 से और फिर एक और बार 100 से, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे, ध्यान देना. तो एक्चुअल में 100000 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा. एक तरीका तो ये है बताने का. दूसरा तरीका ये है कि आप पहले ही इस साइड को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि आंसर सेंटीमीटर में मांग रहा है. ठीक है, तो 1 मीटर का मतलब है 100 सेंटीमीटर. तो एक साइड 100 तो दूसरी भी 100 सेंटीमीटर. अब एरिया कैसे निकालते हो, साइड इंटू साइड. तो 100 into 100 विच इज़ अगेन सेम आंसर आएगा, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, तो किसी भी तरह से कर लो, या तो पहले मीटर को सेंटीमीटर में साइड के लेवल पे ही कन्वर्ट कर लो फिर एरिया निकालो, या पहले एरिया निकालो फिर उस एरिया वाले आंसर को पूरा का पूरा सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो. दोनों ही तरीके से आंसर सेम आएगा, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है वो देखते हैं. ऑन अ वॉल ऑफ डायमेंशन 10.5 मीटर लॉन्ग एंड 8.5 मीटर वाइड, अ स्क्वायर शेप वॉल पोस्टर इज स्टक एट द सेंटर हुज साइड मेजर्स इज 2.5 मीटर. इफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वॉल इज टू बी पेंटेड विद पिंक कलर कॉस्टिंग ₹12 per square meter, हाउ मच डज इट कॉस्ट. अगेन इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं. पहले तो सबसे पहले आपको करना है इस डायग्राम, इस क्वेश्चन के डायग्राम को बनाना है, समझना है कि हो क्या रहा है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. सो एक वॉल है जिसकी डायमेंशन दी हुई है, डायमेंशन मैं बना देती हूँ. जैसे कि ये वॉल है, ठीक है, इस वॉल में लेंथ है 10.5 मीटर और ब्रेथ है 8.5 मीटर. ठीक है,
अ स्क्वायर शेप वॉल पोस्टर इज स्टक एट द सेंटर. एक स्क्वायर शेप का पोस्टर लगाया गया है. स्क्वायर मीन सारी साइड इक्वल है, जिसकी साइड है 2.5 मीटर. ठीक है. इफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वॉल इज टू बी पेंटेड विथ पिंक कलर. अब जो बच गया पार्ट, बच गया मतलब कि ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट बच गया है, पोस्टर हटा दो बीच में से, ये जो मैं शेड कर रही हूँ ये पार्ट, इस पार्ट को अगर पिंक पेंट किया है, और कितना खर्चा आया है पेंट का, 12 पर स्क्वायर मीटर का रेट से पेंट हुआ है, तो आपको कितना रुपए चाहिए, कितना पैसा चाहिए इसको पूरा पेंट करने के लिए. सो देखो, पेंटिंग जब भी पेंट करने की बात हो तो एरिया की बात हो रही है बेसिकली. अब एरिया भी कौन सा, पूरी वॉल का एरिया नहीं है, उसमें से बीच में जो हमने पिक्चर लगाई हुई है, जहाँ पे पोस्टर लगाया हुआ है, उसका एरिया हमें नहीं काउंट करना है. तो ऐसे केस में जो बड़ा वाला एरिया है, यानी कि जो वॉल का एरिया है, उसमें से आप छोटा वाला यानी कि पोस्टर का एरिया हटा दोगे, इसको माइनस कर दोगे, तो ये वाला एरिया बचा हुआ आ जाएगा, है ना, ये पार्ट. तो यही हमें करना है. इसको करने के लिए दोनों के एरिया चाहिए होंगे. एरिया के लिए हमारे पास सारी डायमेंशन ऑलरेडी गिवन है. तो सबसे पहले बड़े वाले जो हमारे पास रेक्टेंगल है यानी कि वॉल है, उसका एरिया निकालते हैं. तो एरिया ऑफ वॉल कितना होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ. रेक्टेंगल है तो लेंथ है 10.5, ब्रेड्थ है 8.5. दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. तो 10.5 इंटू 8.5, पॉइंट को अब इग्नोर करते हैं, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करते हैं. एट नाइन टू फाइव पॉइंट के बाद दो डिजिट्स हैं, तो दो डिजिट से पहले पॉइंट लगा दो, 89.25. ठीक है. ये तो आपका एरिया आया है वॉल का. ठीक है, ध्यान रखना इसको. आगे बढ़ते हैं. अब निकालना है मुझे एरिया पोस्टर का. पोस्टर का एरिया, क्योंकि पोस्टर स्क्वायर है, 2.5 मीटर उसकी हमें यहाँ पे डायमेंशन दी हुई है, तो एरिया स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड. ठीक है, साइड इंटू साइड. तो 2.5 को मल्टीप्लाई कर लो. 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो मैं डायरेक्टली 625 लिख रही हूँ. पॉइंट मेरा दो डिजिट से पहले लगेगा, 6.25. ठीक है, ये आ जाएगा आपका मीटर स्क्वायर, ये भी मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो ये आया पोस्टर का एरिया और ये आया आपका वॉल का एरिया. अब आपको चाहिए एरिया जो, जस्ट अ सेक, मैं थोड़ा स्पेस बना लेती हूँ. अब आपको चाहिए जो बचा हुआ रिमेनिंग एरिया है. ठीक है, रिमेनिंग एरिया का मतलब है कि आपको 89.25 में से माइनस करना है 6.25. ठीक है, यानी एरिया ऑफ वॉल में से माइनस करना है एरिया ऑफ पोस्टर. ठीक है, दोनों को माइनस करेंगे, 89.25 एंड 6.25 को 83.00. ठीक है, ये आपका क्या आया है, ये आया रिमेनिंग पार्ट का एरिया, राइट, जो ये ब्लू कलर से मैंने शेड किया हुआ है. अभी क्वेश्चन यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है. क्वेश्चन बोल रहा है कि 12 रुपए स्क्वायर मीटर के हिसाब से इस एरिया को हमने पेंट किया है, तो टोटल कितना खर्चा आएगा. तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इस एरिया को कॉस्ट निकालने के लिए 83.00 को मैं यहाँ इग्नोर करती हूँ, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं है. तो 83 जो एरिया आया है मीटर स्क्वायर, इसको मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँगी. तो 83 इंटू 12 करते हैं, 996 विच इज़ इन रुपीज़. ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मुझे पता चला कि टोटल खर्चा जो आएगा 12 रुपए के रेट के हिसाब से, वो आएगा 996 रुपीज़, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी. थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है. अगर थोड़ा सा ध्यान से समझो और कैलकुलेशन पॉइंट में, कैलकुलेशन में कोई गलती ना हो, तो क्वेश्चन में गलती नहीं होगी, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है,
अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे करेंगे क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो रही है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, अच्छे लेंथ वाले क्वेश्चंस हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पार्ट 4 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।